हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं सुमित शर्मा टेक्नोशियम चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्टर है या फिर आप प्रोजेक्टर खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करने के लिए, अपने प्रोजेक्टर को आपको सीलिंग पर माउंट करने के लिए या फिर वॉल पर माउंट करने के लिए जरूरत होती है एक सीलिंग माउंट की। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो आइए कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कैसी है इसकी क्वालिटी और कैसे हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये है पैकेट, ये मैंने मंगाया है amazon.in से और इसके अंदर है मैक्सिकॉम प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट। इसका मॉडल नंबर है M447। इसे कर लेते हैं ओपन, फटाफट से ओपन करते हैं। और इसके अंदर निकला है ये पैकेट व्हाइट कलर का, इस पे आप देख सकते हो मैक्सिकॉम प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट। ये एक यूनिवर्सल सीलिंग माउंट है, किसी भी प्रोजेक्टर पर ये लग जाएगा। ज्यादातर प्रोजेक्टर पर ये लग जाता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का प्रोजेक्टर हो। इसे फटाफट इसको भी हम ओपन करते हैं। इसे खोल लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर। इसके अंदर ये निकलता है एक इसका मैनुअल है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है कि कैसे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, वो सारा इसमें दिया गया है। इसको देखकर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आई हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये हमारा सेट टॉप बॉक्स के ऊपर लगेगा और इसमें बहुत सारे स्क्रूज और बोल्ट वगैरह मिलते हैं। कुछ एक्सेसरीज हैं, ये भी एक ब्रैकेट है, ये हमारी सीलिंग पर या वॉल पर माउंट होगी। और ये है इसकी रॉड और ये भी इसका एक ब्रैकेट है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो रॉड है ये एक्सपेंडेबल है और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 2 फीट तक हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये है ब्रैकेट, ये हमारा प्रोजेक्टर पर फिक्स हो जाएगा। उसके बाद ये ऊपर मूव करने के लिए है। मैं एक बार आपको इसका जो है फिटिंग करके दिखा देता हूँ कैसे हमें इसे इंस्टॉल करना है। और ये जो सीलिंग माउंट है ये हैवी स्टील का बना है, बहुत अच्छा क्वालिटी मुझे इसकी लग रही है। ये इसके साथ एक एलाइन की है, एलाइन की से हम इसके जो स्क्रू हैं उन्हें ओपन कर सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। एलाइन की को साथ में रख देते हैं। और इसके बाद ये है फास्टनर, जिससे कि वॉल पर हम इसे माउंट कर पाएंगे। ये 4 फास्टनर इसके साथ आए हुए हैं, बाकी कुछ और भी इसके अंदर स्क्रूज़ हैं इसमें। ये जो स्क्रूज़ हैं ये हमें टाइट करने के लिए इसमें जगह जगह चाहिए होंगे, तो उसके लिए काफ़ी सारे स्क्रूज़ इसमें दिए गए हैं। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसे हम स्क्रू को हल्का सा अगर लूज़ करेंगे थोड़ा सा, फिर लूज़ करने के बाद आप इस जो ये रॉड है इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैं ये खींच के दिखा देता हूँ आपको, इसमें जो दूसरा इसका मॉडल आता है वो आता है 3 फीट का, उसका मॉडल नंबर है M449 और हमने जो ये मॉडल हमारे पास है ये है M447। तो इसको अभी हम हटा के रख देते हैं ऐसे ही। और अगर मैं बात करूं इसके वेट की, तो इसका जो टोटल वेट है वो है 1.2 किलोग्राम। और ये जो वेट इसकी कैपेसिटी है, आप इस पर लगभग 15 kg का लोड दे सकते हैं। 15 kg का वेट अगर आपके प्रोजेक्टर पर जो भी, तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी प्रोजेक्टर आप इस पर लगा सकते हो। और ये है फ्रेम, इसको हम ऐसे चौकोर करके, जैसे मैंने खोल लिए ये इसकी फिंग्स। अब मैं दिखाता हूँ आपको प्रोजेक्टर पर कैसे इंस्टॉल होगा। तो प्रोजेक्टर की बैक साइड में कॉर्नर्स पर पॉइंट दिए होते हैं, वहाँ पर आपको इसे फिक्स कर देना है इस तरह से। ये जो चारों कोनों पे
यहाँ पर स्क्रूज से आपको टाइट कर देना है, स्क्रूज इसके साथ आए हुए हैं। और ये जो छोटा सा ब्रैकेट है ये आपका इस पर लग जाएगा इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो जैसे ये सेफ्टी के लिए लॉक इसमें दिया हुआ है, इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं और 360 डिग्री पर आप इसे रोटेट कर सकते हैं और इसका जो टिल्ट है वो प्लस माइनस 15 डिग्री आप इसे टिल्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप जो है अपने प्रोजेक्टर को स्क्रीन पर फोकस करते समय आप एडजस्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हैंग हो जाएगा और इसकी जो ऊपर वाली साइड है ये हम फास्टनर के थ्रू अपने सीलिंग या वॉल पर माउंट कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसे सीलिंग वॉल पर भी माउंट कर सकते हो, जैसे आप देख रहे हो इसका जो रोटेट हो जाता है इसका, और यहाँ पर आपका प्रोजेक्टर लग जाएगा। मैं अभी आपको इसको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, इंस्टॉल करके ये प्रॉपर कैसा लगेगा। काफ़ी हैवी है, 1.2 केजी वेट है। अब आप देखो किस तरह से प्रोजेक्टर हमारा लगेगा, जैसे कि मैंने ये सीलिंग पर इंस्टॉल किया है, देख सकते हो आप। तो अगर आप इस प्रोजेक्टर सीलिंग माउंट को परचेज करना चाहो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसे खरीद सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकॉन बटन। थैंक यू।